हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अमित शर्मा और आज हम बात करेंगे कंप्लीट डेंचर के बारे में। कंप्लीट डेंचर एक तरह की रिमूवल प्लेट है जिस पे टीथ सेट लगे होते हैं। पेशेंट इसको अपनी इच्छा से कभी भी मुंह में लगा सकता है और निकाल सकता है। कंप्लीट डेंचर उन्हीं को दिया जाता है जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं होता है। इसको लगाने से पेशेंट अच्छे से खाना खा सकते हैं। और इस वीडियो में नीचे के दांतों पर मैं ऑलरेडी कैपिंग कर चुका हूँ, तो आपको सिर्फ ऊपर के डेंचर के बारे में बताऊंगा। एंड दिस डेंचर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स पेशेंट्स फेशियल प्रोफाइल। और यहाँ पे जो आप डेंचर देख रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए जाली लगी हुई है, इसे मैश कहते हैं, जिससे कि ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव रहता है, टूटने से बचता है। और इसको निकालना बहुत इजी रहता है। इसको कभी भी अपनी इच्छा से लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। और इसको निकालने के बाद में इसको पानी में रखना होता है ओवरनाइट, मतलब कि आप इसको पहन के ना सोएं, बस इसमें ये की प्रिकॉशन है। अदरवाइज खाने चबाने में और इसको मुंह में लगाने में कोई परेशानी नहीं होती है। और इसी पेशेंट के हम नीचे के दांत भी रिप्लेस करने वाले हैं। जैसा कि आप देखिए कि नीचे ऑलरेडी इसके दांत लगे हुए हैं, तो हमें कुछ ही दांत रिप्लेस करने हैं। इसलिए सिर्फ 3 दांत रिप्लेसमेंट के लिए हम एक पार्शियल डेंचर यूज़ करेंगे। इसको हम निकाल सकते हैं, इसलिए इसको रिमूवल पार्शियल डेंचर कहते हैं। इसको भी लगाना बहुत ही ईजी रहता है, आराम से लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये डेंचर जो सपोर्ट है वो आसपास के दांतों से लेता है, तो इट्स वेरी इजी टू यूज़। और इसको निकालने के बाद में रात भर पानी में रखना ज़रूरी रहता है। इसमें भी सेम प्रिकॉशन है जैसा कि कंप्लीट डेंचर में रहती है। और इस केस में पेशेंट के ऊपर और नीचे के दांत बहुत अच्छे से मिलते हुए दिख रहे हैं। और अच्छे से खाना खाने के लिए इनका मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और डेंचर बनाते वक्त पेशेंट की प्रोफाइल के हिसाब से दांतों का शेप, साइज और कलर का मैच करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी अच्छी प्रोफाइल बनती है। अदरवाइज़ वो डेंचर इतने अच्छे नहीं दिखते। और डेंचर को बनवाने के लिए आपको 4 से 5 बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और आजकल इमीडिएट डेंचर्स भी होते हैं, जनरली जो दांतों को निकालते ही हम डेंचर को पेशेंट को दे देते हैं। डेंचर्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए आप इसे रात को ज़रूर निकालें और फिर साफ़ करके पानी में रखें, जिससे कि आपके जो मसूड़े हैं उनको भी रिलैक्स होने का मौका मिलेगा। और डेंचर को साफ़ करने के लिए आप अपना नॉर्मल टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं, इसको साबुन के साथ यूज़ करें। और इसके साथ में टैबलेट्स भी आती हैं। एक डेंचर को आप पानी में रखें, हल्के गर्म पानी में रखें और एक टैबलेट डाल दें। 5 मिनट वेट करेंगे तो ये पानी का रंग बदलने लग जाता है, इट शोज़ की क्लीनिंग हो रही है। और इसके बाद आप डेंचर को साफ पानी से क्लीन करके दोबारा से काम में ले सकते हैं। आपका डेंचर लूज हो रहा है तो आप डेंटल इम्प्लांट पे जा सकते हैं, 2 या 3 स्क्रू बोन में लगवा के आप इसके ऊपर डेंचर को फिट करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप एडहेसिव पाउडर्स, क्रीम्स और स्ट्रिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी डेंचर को अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है और डेंचर एकदम फिक्स जैसा महसूस होता है। और अदरवाइज़ आप डेंटल क्लिनिक पर जाके भी इसको इमीडिएटली ठीक करवा सकते हैं। सो होप यू हैव लाइक माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू रिमेन कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।